मसाइल हैं जो दिस वन। आओ खाओ जल्दी जल्दी खाओ पियो। क्या है यस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। काफ़ी दिनों से मेरा बच्चा बीमार है, दोनों ही बच्चे बीमार थे, मौसमी बुखार था, तो मेडिसिन काफ़ी देते रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। तो आज फिर सामर की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, ना बुखार ख़त्म हो रहा था, ऊपर से इसके गले में ना जख्म हो गया। इसकी वजह से कुछ खाया नहीं जा रहा था, पानी भी नहीं पिया जा रहा था। इसने अब 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, बिल्कुल नहीं कुछ खाया। तो ये कह रही थी मैंने चिप्स खानी है, मैंने बर्गर खाना है, और कुछ खा ही नहीं थी। मैंने कहा चलो मंगवा देते हैं, तो मैंने इसको चिप्स वगैरह मंगवा के दी है, तो इसने एक बाइट भी नहीं खाया। खाया गया ही नहीं, इसके अंदर ही नहीं गया। गले में इतना इन्फेक्शन हुआ पड़ा है कि जख्म हुए पड़े हैं। फिर मैंने फ़ौरन से रिक्शा मंगवाया, रिक्शा मंगवा के इसको हॉस्पिटल लेके गई हूँ। तो आके मैंने मेडिसिन वगैरह दी है, अब बच्चा सुकून से सोया हुआ है। वरना सो ही नहीं रहा था, बुखार भी इतना तेज, ना वो सो रहा है। सीधा होकर लेट दे बेटा, तो मैं सीधा करके लेटा हूँ। मेरे बेटा थक गया, एक ही साइड पे लेटा लेटा, कब से लेटा है, एक ही साइड पे लेटा हुआ है ऐसे लेट। बच्चे के लिए दुआ करने खुदूसी, मेरा बच्चा काफ़ी बीमार है, तो अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है, बहुत प्यारा बेटा है। मुझे इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है। एक माँ से अपने बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। बाकी जो भी है, हर तरह के हालात में इंसान गुजारा कर ले। हतीम की तबीयत इससे ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन हतीम बेहतर हो गई है आज। उसको रात से मैंने मेडिसिन उसकी चेंज करके दी, तो वो बेहतर हो गई। ये भी हो जाना था, इसका गले का ज़्यादा मसला बन गया। इसके गले के अंदर ना जख्म हो गया, इन्फेक्शन हो गया ना, जख्म हो गया। जिस जख्म की वजह से ना इसको टेम्परेचर हो गया, वरना इसने भी ठीक हो जाना था। मेडिसिन मैंने बहुत अच्छी ला के दी थी, एंटीबायोटिक मैं अच्छे वाली इनको यूज़ करवाती हूँ। वैसे जब हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो इतनी अच्छी नहीं देते, तो मैंने ना सबसे महंगी एंटीबायोटिक दी है। टीम बिल्कुल ठीक हो गई माशाल्लाह। आज वो खाना पीना शुरू कर दिया उसने, वरना इतने दिनों से वो भी नहीं खा रही थी। तो ये मेरा बेटा थोड़ा बहुत बेहतर था, इसकी तबीयत गले की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गई, जो गले में जख्म आए। तो अब मेरा बेटा सुकून से सोया पड़ा है। इसी वजह से भी आज मैं वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि मेरे बच्चे बीमार हैं, जिसकी वजह से मैं फिर बाहर भी नहीं जा रही, ना ही मैं कोई वीडियोस वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूरी तवज्जो जो है अपने बच्चों पे है। और सेकेंडली इसके पेपर हो रहे हैं, बेचारा छुट्टी भी नहीं कर पा रहा, डेली स्कूल भेजती हूँ इसे, क्योंकि पेपर हो रहे हैं। और हतीम को तो छुट्टी वैसे ही नहीं करवाते, उसका स्कूल वाले चीखना शुरू हो जाते हैं अगर एक छुट्टी भी करवाएं, क्योंकि वो इसकी हिफ्ज़ की क्लास होती है। वो फिर बोलते हैं चलो क्लास की तो छुट्टी हो सकती है, लेकिन हिफ्ज़ की छुट्टी तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इस वजह से फिर दोनों की छुट्टी नहीं करवा पा रहे, दोनों ही स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जब स्कूल से आते हैं दोनों को बुखार आ जाते हैं। अल्लाह ताला बस सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हतीम बेहतर हो गई है इंशाल्लाह, मेरे बेटे को मेडिसिन ला के दी है, ये भी बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से इसका चेकअप किया है, इसका गला वगैरह देखा है, तो इसको मेडिसिन दी है और सुकून आया है इसको, सो गया आराम से। हम दे रहे थे इसको टेम्परेचर की मेडिसिन, लेकिन इसका गले का मसला ज़्यादा बन गया, गले की वजह से इसको बुखार बार बार आ रहा था। तो ये वर्ज मेरे साथ हुआ है, जिसकी वजह से मैं उनको वीडियोस वगैरह नहीं बना रही, बस मैं शॉर्ट शॉर्ट बनाती हूँ, ताकि मैं इन टच रहूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों को ये रहे कि मैं जिंदा हूँ अभी तक, मैं कहीं गई नहीं। तो ये वजह है मेरी वीडियोज ना बनाने की। अब हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, ताकि इस टाइम हम हमारी कोशिश यही होती है कि फ्रेश हवा में सांस लें, इसलिए अब हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। बच्चा नीचे सोया पड़ा हुआ है, क्योंकि वो नशे में है, तो मैंने कहा सुकून से सो ले, उसके पास लाजमी शोर करना है, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। ऊपर आके हम इधर उधर सैर इधर उधर देख रहे हैं, उधर बकरियां भागी फिर रही हैं मोहल्ले की छत पे, उन्होंने बकरियां रखी हुई हैं। आंधी तूफान आए थे, इतनी इतनी हमारी यहाँ बारिश आई, बारिशों की वजह से ना उनका रूम सारा खत्म हो गया, बेचारियों का, बकरियों का, बकरियों का रूम उन्होंने जाके उधर बनाया हुआ है अब, और वो उधर सैर करती फिर रही हैं। तो हम हेलो हाय करते हैं बकरियों को, हाय हाय
हेलो, आजो 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 आजो। बराबर खाना खा रही है। अब नहीं, अब मेरी बात सुन रही। खाना बाद में खा लेना है ना। आजो, आपकी ये हो। नहीं, अब नहीं, हमारी बात। जब बच्चे बीमार हो ना, सबसे बड़ी टेंशन माँ के लिए वही होती है जब बच्चे बीमार होते हैं। तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ ये काम तो बाद में भी होते रहेंगे। बस ये है कि आप लोगों के साथ इन टच रहते हैं, तो अदरवाइज ना टेंशन बहुत ज्यादा है बच्चों की। था तो मौसमी बुखार, लेकिन बिगड़ता 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 कैसे क्या बन गया। तो अब गले का प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है, बाकी तो कोई इतनी खास बात नहीं थी, क्योंकि बुखार तो कम हो गया था। तो चले भी फिर इसके साथ ही ज्यादा देर। बच्चे ठीक हो गए, फिर हम अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। आज का फिर हमारे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। दुआ करिएगा मेरे बच्चों के लिए। बाय बाय। ले हाय कर लिए हैं, अब हम उतरते हैं नीचे। नीचे लगाते हैं जंप। आउच, पहाड़ से नीचे उतर आए हैं। जंप लगाई है हमने, अच्छी खासी अच्छी खासी हमने जंप लगाई। हम नीचे उतर आए पहाड़ से। तो चलें ठीक है, बस